उस समय मेरे दांत एकदम टूटे हुए लूज थे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं अपनी स्माइल करना ही भूल गई थी। इन्फिनिटी आ गई थी कि कहीं जाऊं फोटो नहीं खिंचाऊं, कहीं जाऊं नहीं जाऊं। सबसे पहले तो मैं फेस स्क्रब डेंटल क्लिनिक डॉक्टर प्रतीश जैन को धन्यवाद देना चाहूंगी। पहले मैं डॉक्टर साहब के पास आई, उस समय मेरे दांत एकदम टूटे हुए लूज थे। फिर उन्होंने कहा कि इम्प्लांट कराना पड़ेगा, तो मैं बहुत डर रही थी कि कितना पेन होगा, क्या होगा, कैसे होगा। और जैसे ये डॉक्टर साहब ने इम्प्लांट किया, इतना बढ़िया से, इतना स्मूथली और परफेक्टली किया है कि अब मुझे खुद को ही, मतलब मुझे फेस को, दांत को देखने में अच्छा लग रहा है। और एक बात ये कहना चाहूंगी, किसी ने मुझे मेरे इम्प्लांट करने के बाद ये दांतों को देखा तो उन्होंने कहा आपका तो पता ही नहीं चल रहा कि आपके इम्प्लांट मतलब हुआ है, इतने सिमिलर लग रहे हैं दांत, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। और मेरी एक बेटी की एक फ्रेंड ने कहीं से इम्प्लांट करवाया है दो दांतों का, तो उसमें एक से डिफरेंस आ रहा है, मतलब नेचुरल टीथ और जो इम्प्लांट करने के बाद जो टीथ है उसमें मुझे ऐसे डिफरेंस लग रहा है, लेकिन मुझे मेरे दांत एकदम नेचुरल लग रहे हैं। और अगेन मैं प्रतीक जैन को थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे स्माइल करना सिखा दिया। मैं एकदम मतलब इन्फिनिटी आ गई थी कि कहीं जाऊं फोटो नहीं खिंचाऊं, कहीं जाऊं नहीं जाऊं, तो मतलब इनके बाद आके मुझे कॉन्फिडेंट आ गया अपने आप में, अपने आप में। और अगेन थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जरूर फेस क्राफ्ट आए, कुछ भी दिक्कत हो तो जरूर यहाँ पे आप अपना ट्रीटमेंट लें।